एवं प्रसार का कार्य भी किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तिल की उन्नत किस्में RT-346, RT-351, RT-372 ने देश भर में अपनी पहचान बनाई है। इसी तरह बाजरा की संकर किस्में जो विकसित की गई है MP-17 व 21 भी किसानों के मध्य काफी लोकप्रिय हो रही है। इसके बीज उत्पादन हेतु 7 कंपनियों ने भी विश्वविद्यालय के साथ में MOU किया। पानी की कमी को देखते हुए सेंसर आधारित स्वचालित सिंचाई प्रणाली पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया है, जिससे पानी की बचत के साथ साथ फसल उत्पादन और प्रबंधन भी आसान होगा। फसलों में विविधीकरण हेतु नवीन फसलें जैसे चिया, किनोवा, कैमोमाइल, चिकोरी इत्यादि पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है, जिससे इस क्षेत्र के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध होगा। वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 250 क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया, जो किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों की सहभागिता से साथ बीज उत्पादन कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है। इस वर्ष लगभग 400 क्विंटल मूंग का तथा 85 क्विंटल जीरा बीज का उत्पादन किसानों के खेतों पर लिया गया। मार्च 2021 में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा 20 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई, जिसके तहत सिरोही जिले की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार हेतु मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल तथा राष्ट्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान करनाल के साथ MOU किया है, जिसे यहाँ के वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, किसानों को लाभ होगा। गाँव में मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा एक चल मृदा परीक्षण वाहन तैयार किया गया है, जो मौके पर ही किसानों को मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट करके देगा। किसानों तक उन्नत कृषि तकनीकी पहुंचाने हेतु मरुधारा कृषि के रूप में द्विमासिक पत्रिका का प्रकाशन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किसान पोर्टल भी आरंभ किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान जहाँ अन्य क्षेत्रों में गिरावट देखी गई, वही देश के किसानों की कड़ी मेहनत से खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, इस हेतु में किसानों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक बार पुनः विश्वविद्यालय से जोधपुर तथा राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से इस समारोह में ऑनलाइन उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तथा विश्वास करता हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन एवं राज्य सरकार के सहयोग से विश्वविद्यालय में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। धन्यवाद। स्वागत उद्बोधन के लिए धन्यवाद श्रीमान। माननीय कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा शिलान्यास एवं लोकार्पण किए जाने वाले भवनों के विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। कृषि विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक भवन बनना जा रहा है, उसकी घोषणा बजट 2013-14 में हुई। कुल लागत 12.5 करोड़ की इसमें बजट का प्रावधान रखा गया। कार्य का आरंभ 18 मार्च 2021 को आरंभ होने का है हुआ तथा पूर्ण होने की संभव तिथि 17 सितंबर 2022। इस भवन में कुल निर्मित एरिया लगभग 5000 स्क्वायर मीटर होगा तथा सारे विश्वविद्यालय के जितने भी ऑफिस हैं सारे एक छत के नीचे आ जाएंगे, चाहे वाइस चांसलर का सचिवालय हो, कॉन्फ्रेंस रूम, परीक्षा नियंत्रण का कार्यालय, भू संपदा अधिकारी, PRO, कोर्स कार्यालय, निर्देशक कार्यालय इत्यादि सारे उसमें सुविधाएं होगी। साथ ही इस भवन में जल संरक्षण तथा ऊर्जा के लिए सोलर पैनल का भी व्यवस्था की गई है। इसी तरह से जो आज लोकार्पण हो रहा कृषि महाविद्यालय नागौर का भवन, उसका कुल बजट 11 करोड़ रुपए, भवन की लागत 10.5 करोड़ रुपए, कार्य आरंभ 20 दिसंबर 2016, कार्य पूर्ण करने की तिथि 18 जून 2019, कुल निर्मित क्षेत्र 8361 वर्ग मीटर, प्रशासनिक ब्लॉक, प्राध्यापक विभाग, कक्षा, लेक्चर थिएटर, ट्यूटोरियल कक्ष, प्रयोगशालाएं, कॉन्फ्रेंस हॉल, पुस्तकालय, परीक्षा हॉल तथा पार्किंग स्पेस। कुल इसमें 550 लाख लीटर की पानी का स्टोरेज की व्यवस्था है और सोलर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन 120 किलोवाट हो रहा है। और ये भवन पूर्णतया
जो हीट रेजिस्टेंट बनाया गया ताकि इसमें दीवारों से बाहरी दीवार ऐसी बनाई तो जो उसको टेम्परेचर को अंदर या बाहर नहीं होने देगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। मैं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के शिलान्यास एवं लोकार्पण किए जाने वाले भवनों का विवरण प्रस्तुत करने हेतु प्रोफेसर विष्णु शर्मा माननीय कुलपति से अनुरोध करता हूँ। और अभिनंदन राजुवास के लिए आज पावन दिन है जब दो अति महत्वपूर्ण नवाचारों का शिलान्यास व लोकार्पण किया जा रहा है। आप सब राजस्थान में पशुधन के महत्व से सर्वविदित हैं। राज्य में देशी गौवंश एवं दूध की प्रचुरता व जैविक पशुपालन की अनुकूल परिस्थितियां राज्य को विशिष्ट पहचान दिला रही है। पशुपालन के इसी महत्व को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2010 में एक अनूठा कदम उठाकर पृथक रूप से पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मात्र 2-3 जिलों में स्थापित यह विश्वविद्यालय आज राज्य के 22 जिलों में अपने संस्थान बना चुका है। आज माननीय के करकमलों से चौथे महाविद्यालय की आधारशिला जोधपुर में रखी जा रही है। इस महाविद्यालय भवन की कुल लागत 111 करोड़ होगी, जिसमें 5 मंजिला भवन में 17 विभागों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही अति आधुनिक पशु चिकित्सा संकुल एवं पशुधन फार्म का सृजन भी किया जाएगा। संपूर्ण भवन में पूर्णतः सौर ऊर्जा व जल ग्रहण प्रबंधन भी किया जाने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। प्रथम फेज का निर्माण कार्य, फैकल्टी रिक्रूटमेंट एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के निरीक्षण एवं स्वीकृति होने के पश्चात इस महाविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया जाएगा। माननीय, आज समाज में पशु उत्पाद जैसे दूध, मांस, अंडे आदि का दैनिक आहार में तेजी से उपयोग बढ़ रहा है और समाज की इस मांग को देखते हुए इस नवीन महाविद्यालय में हमारी विशिष्ट परिकल्पना है कि पशु चिकित्सा के छात्र चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ पशुधन आधारित उद्यम और उद्यमिता का भी प्रशिक्षण एवं कौशल प्राप्त करें। इससे न सिर्फ पशु चिकित्सकों की सरकारी नौकरी पर निर्भरता कम होगी, वरन स्वरोजगार के विभिन्न अवसरों के साथ ही समाज को शुद्ध खाद्य सुरक्षा भी उपलब्ध हो पाएगी। बहुत ठीक कहा है कोरोना महामारी के समय में WHO के अध्यक्ष ने, उन्होंने पशुपालन के महत्व को बहुत गूढ़ता से समझा है और WHO के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कहा है कि आने वाली महामारी की रोकथाम के लिए हमें पशु कल्याण और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना होगा। इतने महान और इतने उच्च पद व्यक्ति का यह कथन पूरे विश्व के अंदर पशु कल्याण के लिए अनुसंधानों को बढ़ावा दे रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षण के साथ देशी गौवंश संवर्धन में भी कार्यरत है और इस नवीन महाविद्यालय में देशी गौवंश के आधुनिक मॉडल फार्म की स्थापना की जाएगी, जिसमें अति आधुनिक तकनीकों का समावेश किया जाएगा, जिससे समाज के हर वर्ग को देशी गौवंश की उपलब्धता की जा सके। माननीय, आज के कार्यक्रम में दूसरे चरण के अंदर पशु विज्ञान केंद्रों का लोकार्पण किया जाना है। पशु विज्ञान केंद्र जोधपुर, डूंगरपुर, रतनगढ़, झुंझुनू एवं टोंक के भवनों का लोकार्पण किया जाना है। प्रत्येक पशु विज्ञान केंद्र के लिए 5,000 वर्ग फीट में भवन निर्माण व उपकरण राज्य सरकार द्वारा लगभग 690 लाख रुपए की कुल राशि उपलब्ध कराई गई है। मैं माननीय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्राय सभी राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्र तो स्थित है, किंतु राजस्थान राष्ट्र का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 15 जिलों में पशु विज्ञान केंद्र स्थित है। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में 16वें पशु विज्ञान केंद्र की भी घोषणा कर दी है। पशु विज्ञान केंद्रों के द्वारा ग्रामीणों एवं पशुपालकों को विकसित तकनीकों व नवाचारों का लगातार प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है और इस श्रृंखला के माध्यम से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का आखिरी छोर पर खड़े हुए ग्रामीण और पशुपालक से सीधा संपर्क स्थापित होता है। जो अनुसंधान, जो नवाचार विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं वो इन केंद्रों के द्वारा ग्रामीणों तक पहुंचाया जाएगा। आने वाले समय में विश्वविद्यालय की यह परिकल्पना है कि हर जिले में पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे ग्रामीण नवयुवकों को पशुपालन एवं डेयरी उद्योग का वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति एवं खाद्य सुरक्षा के अंदर उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विष्णु शर्मा माननीय कुलपति। मैं श्रीमान भजनलाल जी जाटव माननीय राज्य मंत्री गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राजस्थान सरकार को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। सम्माननीय अतिथि श्रीमान भजनलाल जी जाटव। आज के शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान एवं कुलाधिपति कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमान लालचंद कटारिया जी, माननीय मंत्री महोदय, प्रोफेसर बी आर चौधरी कुलपति जी और हमारे तमाम विधायकगण, हमारे चीफ सेक्रेटरी प्रोफेसर विष्णु शर्मा जी, कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान बीकानेर। मैं कहना चाहूंगा कि आज के शुभ अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा भारत के संविधान के उद्देश्य का तथा मूल कर्तव्यों का वाचन किया गया है। माननीय संविधान के प्रति हमारा गहरा लगाव एवं अटूट आस्था के जीता जागता उदाहरण है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान की आत्मा, संविधान के उद्देश्य का एवं सर्वोपरि स्थान संविधान में प्रदत्त किया गया है। संविधान निर्माण के समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के समक्ष 8 संकल्प प्रस्तुत किए गए। इन्हीं संकल्पों को भारत के संविधान के उद्देश्य का के मूर्त रूप प्रदान किया गया। संविधान निर्माण से आज दिनांक तक बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के उद्देश्य का पूरे भारत के सर्वांगीण विकास का मूल आधार साबित हुई है। श्रीमती फूल कर्दो भारत के संविधान स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री काल में संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान के लिए थे, तथा मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा बाबत 2002 से और 86वां संशोधन स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में जोड़ा गया, जो आज मूल अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भारत के जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग है। और इस संविधान के आधार को ही पूरे भारतवर्ष के अंदर आज संविधान जो भारतवर्ष का संविधान है उसी के तहत पूरा महान माना गया है। उसी के तर्ज पर हमारे गांधीवादी विचारधारा के नेता और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से सरकार उनके नेतृत्व में बनी है, चाहे वो कोरोना महामारी हो, उनके कोरोना काल के प्रबंध में जिस तरीका से पूरे भारत के अंदर उन्होंने बेहतरीन प्रबंध किया, हमेशा उन्होंने जब से सरकार बनी है, चाहे किसान हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे डेयरी के रूप में काम करने वाले व्यक्ति हो, हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमेशा जब से सरकार बनी, चाहे किसानों की कर्ज माफी का मामला हो, चाहे वो पशुपालकों को पशु उपकेंद्र खोलने का मामला हो, चाहे वो पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने का मामला हो, चाहे वो रिसर्च सेंटर तमाम जो चीजें उनको खोलने का मामला हो, हर बजट के अंदर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने प्रावधान किए हैं। निश्चित तौर पर हमेशा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान हर क्षेत्र में चौमुखी विकास के ऊपर ऊंचाइयों को छू रहा है। और आज जिस तरीका से एक नया आयाम कीर्तिमान जो स्थापित हुआ है राजस्थान प्रदेश के निरंतर जो शिलान्यास कार्यक्रम है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रशांत भवन का शिलान्यास, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय जोधपुर भवन का शिलान्यास और कृषि विद्यालय महाविद्यालय नागौर भवन का लोकार्पण और तथा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के परिनियम पुस्तिका विमोचन के साथ साथ राज्य के 5 जिलों के पशु विज्ञान केंद्र तथा पशु विज्ञान केंद्र रमकानगर टोंक, पशु विज्ञान केंद्र डूंगरपुर, पशु विज्ञान केंद्र जोधपुर, पशु विज्ञान केंद्र झुंझुनू तथा पशु विज्ञान केंद्र रतनगढ़ का लोकार्पण किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब ये केंद्रों से जब चालू होंगे और इनका लोकार्पण होगा, वहां के आम नागरिक को और पशुपालकों को बहुत बड़ा एक रोजी रोटी का साधन उपलब्ध होगा और अनेक तरह के नवाचार कायम होंगे, रिसर्च सेंटर होंगे, डेवलप होंगे, हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को उनका लाभ मिलेगा और पशुपालकों को उनका आगे बढ़ने का लाभ मिलेगा, किसानों को नए रिसर्च की तरह नए पशुपालक मिलेंगे और कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
निश्चित तौर पर पशु विज्ञान केंद्र लोकार्पण फलस्वरूप राजस्थान के पशुधन विकास हेतु बेहतरीन सुविधा संबंधित क्षेत्र के पशुपालकों को उपलब्ध हो सकेगी। इसी प्रकार तमाम क्षेत्रों के अंदर चाहे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जो तमाम है चाहे एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के गरीब चाहे नौजवान हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। समय समय पर महामहिम द्वारा भी हम लोगों को सबको मार्गदर्शन मिलता रहता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राजस्थान को आगे ले जाने का काम किया है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय भजनलाल जाटव साहब, माननीय राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान लालचंद जी कटारिया, माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार को उद्बोधन एवं आशीर्वचन। नमस्कार सर। श्रीमान लालचंद जी कटारिया, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज जी मिश्र साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष और जन जन के लोकप्रिय नेता राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, राज्य मंत्री सम्मान्य भजनलाल जी जाटव साहब, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति डॉक्टर बी आर चौधरी साहब, राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर विष्णु शर्मा जी, राजस्थान के अन्य राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों के समस्त कुलपतिगण, राजस्थान कृषि के प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत जी, विश्वविद्यालयों के प्रबंध मंडल एवं शैक्षणिक परिषद के मानित सदस्यगण, पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक जी, विश्वविद्यालय के अधिकारी शिक्षक कर्मचारी एवं विद्यार्थीगण, प्रेस एवं मीडिया के बंधु, सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय एवं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हाल ही में कोविड 19 वैश्विक महामारी के दौरान देश के सभी क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन कृषि एवं पशुधन एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जिसने देश की जीडीपी को मजबूती प्रदान की। देश के कुल सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की लगभग आधी से अधिक आबादी का जीवन यापन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। आज की उत्पादन की अपेक्षा प्रति हेक्टर आय पर केंद्रित हो गई है, अतः हमारी कृषि व्यवस्था में एक व्यापक बदलाव की आवश्यकता। विश्व में वैज्ञानिक किस्मों के विकास, पानी बचत, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली कृषि, जैविक तथा पर्यावरणीय कृषि, वर्टिकल फार्मिंग आदि के क्षेत्रों में हो रहे विकास को कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं कृषि प्रसार में ज्यादा से ज्यादा समावेश कर युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक दक्ष एवं सक्षम बनाने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि छोटे किसानों एवं पशुपालकों द्वारा विशेषज्ञपूर्ण तकनीकी नहीं अपनाने की वजह से उनकी आमदनी को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। राजस्थान ने सरसों, गंवार, संतरा, किन्नू, बेर, जैतून, अमरूद, सीताफल, बीज, मसाला फसलें जैसे जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, औषधीय फसलों ईसरबोल, अश्वगंधा, तुलसी, ग्वारपाठा, दूध उत्पादन एवं पशुपालन, मशरूम उत्पादन, मछली उत्पादन के क्षेत्रों में प्रगति की है। इसके अलावा कृषि वानिकी, संरक्षित खेती, मधुमक्खी पालन, मसाले, औषधीय पौधों, सब्जियों के संकर बीजों उत्पादन, मछली बीज उत्पादन, फूलों की खेती, परिनगरीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों की पौध तैयार करने, प्लास्टिक कल्चर के उपयोग, कटाई उपरांत तकनीकी प्रबंधन, ग्रामीण स्तरीय कम लागत का मूल्य संवर्धन आदि को अपनाकर किसानों को आमदनी में वृद्धि करने की भी प्रबल संभावनाएं उपलब्ध कराई गई है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा किसानों के लिए खेती में परंपरागत फसलों जैसे तिल, बाजार, मोठ, गंवार, मिर्च इत्यादि की उन्नत किस्मों में विकसित की गई है, जिनसे गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही किसानों को नए विकल्प उपलब्ध कराने तथा उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से नवीन फसलों जैसे चिया, कॉफी, किनोवा एवं कैमोमाइल चाय पर अनुसंधान शुरू किया है, जो एक सराहनीय कदम है।
साथ ही राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रदेश में पशुओं के उपचार में अत्याधुनिक पशु चिकित्सा सलाहकारी सेवाओं, पशुपालकों को वांछित तकनीकी स्थानांतरण एवं पशु रोग परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही है, जो राज्य में पशुधन संरक्षण एवं उत्पादन की दृष्टि से एक सराहनीय कदम है। हम जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जल उपलब्धता की विषम परिस्थितियां हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए जल बचत की दिशा में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा संचालित सिंचाई प्रणाली द्वारा जल प्रबंधन कर कार्य किया जा रहा है। मैं विश्वविद्यालय के इन प्रयासों की सराहना करते हुए वैज्ञानिकों से जल संरक्षण एवं कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों पर भी अनुसंधान कर किसानों को नवीन तकनीकी के माध्यम से जोड़ने तथा उनकी आय बढ़ाने का आह्वान करता हूं। मैं आज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रशासनिक भवन तथा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास बीकानेर के अंतर्गत स्वीकृत पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय जोधपुर के शिलान्यास समारोह तथा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय नागौर के नवनिर्मित भवन तथा राजूवास बीकानेर द्वारा संचालित 5 पशु विज्ञान केंद्रों तथा जोधपुर अविकानगर टोंक रतनगढ़ चूरू झुंझुनू एवं डूंगरपुर के लोकार्पण समारोह के पुनीत अवसर पर संबंधित जिलों के माननीय विधायकों जनप्रतिनिधियों दोनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों अधिकारियों शिक्षकों कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये विश्वविद्यालय सफलता के नए आयाम स्थापित करें और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में ख्याति प्राप्त कर संस्थानों के रूप में अपना नाम स्थापित करें। मैं इस समारोह में उपस्थित माननीय विधायक कन्हैयालाल चौधरी, माननीय विधायक अविनेश महर्षि जी, मनीषा पंवार जी, महेंद्र बिश्नोई जी, रीटा चौधरी जी, श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी, गणेश घोगरा जी, श्री पुखराज जी और श्री मोहन राम जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। अंत में मैं इस अवसर पर पुनः माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति आदरणीय श्री कलराज जी मिश्र साहब, राजस्थान के सचिव एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब तथा विश्वविद्यालय परिवार का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। आपके सार्वभौमिक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान लाल चंद जी कटारिया साहब, माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार। मैं आग्रह करूंगा माननीय राज्यपाल राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के भवनों के शिलान्यास एवं लोकार्पण हेतु सादर आमंत्रित। अनुमति है। माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय, आमंत्रित है आप शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्य प्रारंभ करें।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान को। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन। श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। परम श्रद्धे माननीय राज्यपाल गौराजी मिश्र साहब, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर लालचंद कटारिया जी, राज्य मंत्री भजनलाल जाटव जी, विधायक गण हमारे आदरणीय सूर्यकांता जी व्यास, मनीषा जी पवार, गोविंद राम जी मेघवाल, महेंद्र विष्णु जी, जीता चौधरी जी, गणेश गोगरा जी, पुकरा जी गर्ग, कन्हैलाल जी, अभिषेक अभिनेश मैसी जी, हमारे मेयर साहिबा जोधपुर कुंती देवड़ा जी, पूर्व सांसद बदीराम जाखर जी, राजेंद्र सोलंकी जी, सैयद अंसारी जी, नान राम जी बेड़ा, प्रोफेसर अयूब खान साहब, बी आर चौधरी जी, वाइस चांसलर कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर विष्णु शर्मा जी पशु विश्वविद्यालय बीकानेर, वाइस चांसलर, कुलपतिगण कुलपतिगण महोदय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कुलदीप रांका जी, भास्कर सावंत जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृषि अरुषि मलिक जी और तमाम उपस्थित जिला कलेक्टरगण, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग व सभी अधिकारीगण और प्रदेशवासियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के तत्वावधान में विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास के प्रोग्राम अभी आपके सामने प्रारंभ हुए। विशेष रूप से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक भवन, कृषि महाविद्यालय का नागौर का लोकार्पण भवन का, पशु चिकित्सा पशु विज्ञान महाविद्यालय जोधपुर का भवन का शिलान्यास और टोंक डूंगरपुर जोधपुर झुंझुनू रतनगढ़ पशु विज्ञान केंद्रों का, ये अपना आप में एक मैसेज देने वाला है कि राजस्थान सरकार की क्या मंशा है, किस रूप में हम चाहते हैं कि राजस्थान में कृषि व पशुपालन का विस्तार तेज गति से हो और जो होना आवश्यक भी है, क्योंकि आज देश के अंदर आज़ादी के बाद से ही कृषि को महत्व मिला है, पशुपालन को महत्व मिला है और आज भी इस हालातों में जब देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी तकलीफ में है, तब भी कृषि का 14% और एनिमल हस्बेंड्री का 12.5% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर राजस्थान के अंदर है। इसके मायने कि अगर हम लोग सरकार की तरफ से और प्रोत्साहन देंगे तो आने वाले वक्त के अंदर जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन और बढ़ सकता है। अधिकांश आबादी गांव में रहती है, किसान चाहे वो खेती मजदूर के रूप में हो, चाहे किसान के रूप में हो, लघु हो सीमांत हो, सभी किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और एनिमल हस्बेंड्री को भी मैं समझता हूँ कि राजस्थान में हमेशा प्रोत्साहन मिला है और उसी रूप में हमने आपने देखा होगा कि अब 2-3 बजट जो पेश किए गए उसके अंदर भी हम लोगों ने एक से बढ़ के एक फैसले किए। एक तरफ तो हमेशा आजादन 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5, कोई जमाने में खाली एक हुआ करता था उदयपुर के अंदर, फिर बीकानेर, अब जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोबनेर, तो ये 2013 के अंदर जब हमने 3 विश्वविद्यालय एक साथ खोले थे कृषि के, तो आज तमाम
करीब करीब पूरे राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय बन गए और बीकानेर के अंदर वेटनरी का विश्वविद्यालय बना दिया गया। इस रूप में ब्रांचेज कहीं खोल दी गई। हमेशा सरकार ने प्रोत्साहन दिया है और उसी रूप में इस बजट के अंदर हमने कृषि बजट अलग रखने की घोषणा की। अगले बजट में कृषि का अलग बजट पेश होगा। कृषक कल्याण कोर बनाया गया 2000 करोड़ रुपए की लागत से और बिजली की एक अलग कंपनी बनाई जा रही है जो किसानों के इंटरेस्ट वाच करेगी। किसानों के लिए हमने अलग मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना प्रारंभ की है। प्रति किसान 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा करी है। और जैसा आप सबको मालूम है राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जिसने फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें शुरू की थी चिकित्सालय में, पर साथ साथ में पशुओं के लिए भी, मूक प्राणियों के लिए भी हमने फ्री मेडिसिन की घोषणा की थी और वो हमारी योजना बहुत ही सफल रही। हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस 108 की तरह 102 गाड़ियाँ चले, बड़ी संख्या में चले। वो प्रयास हमारा जारी है जिससे कि घर में जाकर के पशुओं का इलाज कर सके, वरना पशु को ट्रक में डाल के लाना पड़ता है पशु चिकित्सालय तक, वो नौबत नहीं आए। पशु चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जा रही है। अभी हमने करीब 500 केंद्रों की नई घोषणा करी है। इस प्रकार से लगातार किस प्रकार हम लोग किसान को और पशुपालक को प्रोत्साहन दें सब तरह से, इस सरकार की योजना का अंग है और उसी रूप में इसका फैलाव भी हो रहा है। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर, तो अभी कोरोना काल है और कोरोना काल के अंदर कई तरह की तकलीफ आई है, उसके बावजूद भी अर्थशास्त्र ने देखा कि तकलीफ के बावजूद भी कृषि में और पशुपालन में पूरे देश के अंदर GDP में बढ़ोतरी हुई है। तो किसानों के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या आ सकती है कि जब अर्थव्यवस्था तकलीफ में आई हो, GDP माइनस में जा रही हो, उस वक्त कृषि क्षेत्र अगर देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP में, तो किसानों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और राजस्थान वो राज्य बन गया धीरे धीरे, कोई जमाने में मैं राज्यपाल महोदय को कहना चाहूँगा यहाँ कोई संस्थाएँ थी नहीं, रेगिस्तान के इलाके थे, आंधियाँ चलती थी। आपको तो मालूम है, आप तो बहुत अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं और अकाल सूखे पड़ते रहते थे, बार बार मजदूरी लगवाओ अकाल आदि कामों पर, चारे के प्रबंधन करो गायों के लिए पंजाब से, महाराष्ट्र से, UP से, जहाँ से मिल जाए। वो जमाना ही हमने देखा बचपन के अंदर। आज मुझे गर्व है कि राजस्थान तमाम वो संस्थाएँ, क्योंकि पहले हमारे बच्चे आते थे कर्नाटक महाराष्ट्र के अंदर पढ़ने के लिए, अब तो राजस्थान में IIT, IIM, एम्स, IIIT, निफ्ट, कृषि विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सब कुछ यहाँ खुल चुके हैं। उसी ढंग से वेटनरी का हो चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, उनका जाल बिछ गया है। तो तमाम हमारे छात्रों में कॉन्फिडेंस है कि राजस्थान में हमें सब कुछ उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम लोग मैन पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर एक्सपर्ट बनेंगे हमारे इन संस्थानों में, तभी हमें जो चिकित्सा केंद्र खुलेंगे, चाहे पशुओं के हों चाहे वो अन्य हों, उसमें हमें ट्रेन मैन पावर मिल सकेगी जिसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल तो नस्ल सुधार के कार्यक्रम भी चलते हैं। नस्ल सुधार के कार्यक्रम बड़े रूप में चलने चाहिए और बड़े रूप में चलने चाहिए। डेयरी का विस्तार होना चाहिए। कल ही मैंने ली थी रिव्यू मीटिंग, हमारे कटारिया जी और जाडव साहब बैठे हुए हैं, हम लोगों ने तय किया कि किस प्रकार से फैलाव करें। आज 40,000 गाँव में से 50% गाँव में ये डेयरी का काम चल रहा है। हम चाहते हैं राजस्थान भर में गांव-गांव तक डेयरी जो है
डेयरी का फैलाव हो, आरसीडीएफ के माध्यम से और मजबूती के साथ में सरस जो ब्रांड है वो बहुत पॉपुलर हो, लोगों को रोजगार मिले, सरस के डेयरी के बूथ लगे, तो किसानों का भला होगा, पशुपालकों का भला होगा। हमने 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे राजस्थान के अंदर, पूरे देश भर के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दिया जाता है किसानों को, पशुपालकों को। तो हमने कोई कमी नहीं रखी है। उसी रूप में पशु विज्ञान केंद्र की जो आज स्थापना होने जा रही है, हमें समझता हूँ करीब 15-16 जगह खुल जाएंगे, हर जिले में पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना हो, ये हमारा सपना है, उस रूप में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस मुबारक मौके पर अभी राज्यपाल महोदय का उद्बोधन हम सुनेंगे, मैं संक्षिप्त में ही कहना चाहूँगा और प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाऊंगा, कोरोना की जंग जिस प्रकार लड़ी गई है आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों के सहयोग से, तमाम राजनीतिक पार्टियां हों, धर्मगुरु हों, एनजीओ हों, सामाजिक संस्थाएं हों और आम जनता हो, सबने एक दूसरे का साथ दिया। और हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, तो मैं समझता हूँ कि उसी मनसा के साथ में सब लोग इस जंग को लड़ रहे हैं। पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मौका है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, कि ये जो नया वेरिएंट आया है डेल्टा 1617.2, कल ही रिपोर्ट आई, कल ही दिल्ली से जो इसकी सिक्वेंसिंग हुई है, जीन सिक्वेंसिंग, कल ही रिपोर्ट आई गवर्नर साहब कि हमारे यहाँ राजस्थान में ये बहुत भयंकर रूप में फैला हुआ है, दिल्ली में भी ये जो सेकंड लेयर में जो घातक हुआ था एकदम हाहाकार मचा ऑक्सीजन को लेकर के, क्योंकि जो पेशेंट आया उसने ऑक्सीजन की मांग करी, हाई फ्लो ऑक्सीजन, पहले लेयर में ऐसी बात नहीं थी। तो कल जब मालूम पड़ा रात को कि ये जो सिक्वेंसिंग हुई है दिल्ली में, उसके बाद में ये मालूम पड़ा कि ये इतना खतरनाक है, जो अमेरिका इंग्लैंड में चला गया, वहाँ के लोग भी चिंता कर रहे हैं, सिंगापुर में चला गया, और उसी रूप में जो लॉकडाउन खुल रहा था लंदन में, उस पर रोक लग गई कई जगह, इस रूप में ये वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम दिया WHO ने डेल्टा। तो ये हमें पब्लिक को समझाना पड़ेगा, कृपा करके आप जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो, बल्कि ये स्थिति बन रही है कि ये अभी पता नहीं ये वेरिएंट कितना घातक रहेगा, और वैक्सीन को ये सर कोई बाईपास नहीं कर दे वैक्सीन को भी, और वैक्सीन जो है उसका प्रभाव खत्म नहीं कर दे। जब इस प्रकार की रिपोर्ट आती है तो सरकार की, आपकी, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम पब्लिक को सही बात समझाएं, जिससे लोग सचेत रहे, अपनी जान बचा सके। अभी हमारे लिए ये तमाम किसान, किसानी, पशुपालक, पशुपालनों का संस्थाएं, ये तभी हम लोग मजबूत बना पाएंगे, तब सब लोग स्वस्थ रहेंगे और सब लोगों की जानें बचेगी। अभी जितने लोग युवा और जिस प्रकार की मृत्यु दर के आंकड़े बढ़े हैं, मेरे ख्याल से पिछले साल भर में जितनी मृत्यु नहीं होती तो 2-2.5 महीने हो गई है। इस रूप में जो ये खतरनाक वेरिएंट आया है देश के अंदर, और जिसके मालूम पड़ा कि ये डेल्टा के नाम से, इस डेल्टा का नाम रखा गया अभी इसका, और ये बहुत ही घातक है। ये हम लोगों ने लॉकडाउन में अभी काफ़ी ढील दी है, देखते हैं 10-15 दिन में अगर ढील देने के बावजूद भी संख्या बढ़ती नहीं है तो और ढील देंगे, हमें अच्छा लगेगा। पर अगर ऐसा नहीं हो कि ढील देने के बाद में संख्या एक साथ बढ़ने लग जाए और ऑक्सीजन की कोई मारामारी हो तो फिर चिंता हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आपका प्रदेश में जो मैसेज होगा, आप हमेशा अपने हर विकास के काम में भी और हर तरह की समस्याओं में आपने रुचि दिखाई है राजस्थान के अंदर, कोरोना काल के अंदर भी आपने सबसे बना के बातचीत करी, और आपने तो 6 मिलियन फंड में कॉन्ट्रीब्यूट भी किया है। यह आपकी भावना बताती है कि इस प्रकार आप इस दुख की घड़ी में और इस चैलेंज के वक्त में, जंग बहुत बड़ी है उसमें, आप बार बार मुझे कहते हैं मैं और कुछ धनराशि भेजना चाहता हूँ,
तो मुझे खुशी है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय जिन्होंने अभी जब वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ते पढ़ते हैं पर साथ में मूल कर्तव्य की याद दिलाते हैं, दोनों बातें इम्पोर्टेंट है आज के वक्त में। और आपने एक अच्छी परंपरा डाली राजस्थान के अंदर, जिसमें कम से कम राजस्थान में लोगों को लगे कि वास्तव में संविधान की प्रस्तावना में लिखा क्या है। अगर हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का व्यक्ति हो, कोई विचारधारा किसी कुछ भी हो, विचारधाराओं की लड़ाई चलती रहती है डेमोक्रेसी के अंदर, परंतु अगर संविधान की प्रस्तावना को आत्मसात कर ले आदमी जो आपके दिल में है, तभी आप इसको पढ़ते हैं, वरना कौन पढ़े। मूल करते ही बताते आप, अगर दो बातें अगर आप व्यक्ति दिमाग में आत्मसात कर ले तो मैं समझता हूँ उसके बाद में लोकतंत्र में सरकारें आती है जाती है, मनमुटाव होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, फिर भी देश में एकता अखंडता रहती है, देश में माहौल अच्छा रहता है, शांति सद्भाव के साथ में राजनीति होती है और जो होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप ये जो संविधान की प्रस्तावना और मूल करते पढ़ाते हम लोगों सबको अनुच्छेद 51A का, इसके पीछे आपकी मंशा यही है, इसीलिए आप इसमें लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता सब आ जाती है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये आपका जो आपने शुरुआत करी है इसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपका मार्गदर्शन आगे भी लगातार हम सबको मिलता रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो संस्थाएं राजस्थान में हैं, जो उत्कृष्ट श्रेणी की संस्थाएं हैं, जो पंडित नेहरू का सपना था आज़ादी के वक्त से ही, जब उन्होंने IIT, IIM, एम्स की स्थापना की थी और दूरदृष्टि उनकी थी। मैं सुनता हूँ कि उनके ज़माने में पूरे दिल्ली के अंदर जितने बंगले बड़े बड़े, उन बंगले में जो ज़मीन पड़ी है खाली, उसमें उन्होंने खेती करवा दी। वो ज़माना भी था क्योंकि उस वक्त में अनार का संकट था, आपको तो मालूम ही होगा, बचपन में PL 480 से गेहूँ आता था अमेरिका से, वो हमने खाया है राशन की दुकानों से। उस जमाने के अंदर पंडित नेहरू ने उसके पहले भी किस प्रकार की सोच रखी, ट्रैक्टर पहली बार आया देश के अंदर, उन्होंने खुद ने ट्रायल किया ट्रैक्टर का, वो जमाना था, देश कहाँ सुहा काम पहुँच गए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पर आज हमारे यहाँ का किसान, हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र बहुत मजबूत है, पशुपालन क्षेत्र बहुत मजबूत है और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर और ज़्यादा मजबूत बनेगी, संस्थाएँ बनेगी और चिकित्सा केंद्र बनेंगे। हम सब मिलकर के इन दोनों क्षेत्रों, कृषकों को भी और पशुपालकों को भी पूरे प्रोत्साहन देंगे। यही बात कहता हुआ मैं वाइस चेयरमैन साहब का, दोनों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सबको मौका दिया और आपने हम सबको बुलाया, तो मुझे भी अवसर दिया बोलने का। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। आपके ज्ञानवर्धन गोधन सिंह के लिए हृदयतल से धन्यवाद श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय से कि आप कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की परिनियम पुस्तिका का विमोचन कराएं। माननीय राज्यपाल करें पुस्तिका थी साथ में शामिल होंगे माननीय मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत साहब, कुलपति महोदय एवं अन्य अतिथिगण। मैं पुनः आग्रह करूंगा श्रीमान कलराज जी मिश्र माननीय राज्यपाल पाकिस्तान राष्ट्रपति महोदय को आशीर्वचन दें। आज के इस शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान के कृषि मंत्री और इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि श्री लालचंद कटारिया जी, माननीय राज्य मंत्री
श्री भजनलाल जाटव जी, माननीय विधायकगण, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर बी आर चौधरी जी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा जी, संबंधित जिलाधिकारीगण, प्रबंध मंडल और विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, विद्यार्थियों और मीडिया के मेरे साथियों, यह सुखद है कि आज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रशासनिक भवन के साथ ही जोधपुर में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय भवन का शिलान्यास हुआ है। आज का दिन कृषि महाविद्यालय नागौर के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के साथ ही राज्य के 5 जिलों में जोधपुर, अविकानगर, टोंक, रतनगढ़, चुरू, डूंगरपुर और झुंझुनू में स्थित पशु विज्ञान केंद्रों के नवीन भवनों के लोकार्पण का भी सुअवसर है। प्रदेशवासियों और आप सभी को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र ही किसी राज्य के सतत विकास का प्रमुख आधार है। इसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही व्यवस्थित तौर पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इसे सुदृढ़ करके ही अर्थव्यवस्था को प्रभावी रूप में हम गति दे सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को प्रशासनिक भवन की सौगात मिली है, वहीं आज ही अपने पशु मेले से दुनिया भर में विख्यात नागौर जिले में भी कृषि महाविद्यालय और प्रदेश के 5 जिलों में पशु विज्ञान केंद्रों के भवनों का भी लोकार्पण हुआ है। मैं समझता हूं कृषि और पशुपालन क्षेत्र में इससे और अधिक तेजी से विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। शहरीकरण के बावजूद आज भी हमारे यहाँ बड़ी संख्या में आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है और उनकी आजीविका कृषि कार्यों के साथ ही पशुपालन पर ही निर्भर है। कृषि और पशुपालन एक दूसरे पर निर्भर है। मैंने यह अनुभव किया है कि कृषि पर आश्रित परिवारों को पशुपालन से ही अनुपूरक आय प्राप्त होती है। मारवाड़ शुष्क क्षेत्र है, प्राकृतिक विविधताओं का भी यहां निरंतर आगमन होता रहता है। ऐसे में पशुधन का बेहतर प्रबंधन और पशु उत्पादों के प्रभावी विपणन की कारगर नीति प्रकार किए जाने की आवश्यकता है। कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मिलकर इस बात पर चिंतन करें कि कैसे विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में आधुनिक जो विकास हुआ है उसका लाभ कृषि पशुपालन क्षेत्र को अधिकाधिक मिले। इस बात पर भी मिलकर विचार करने की जरूरत है कि कैसे कृषि खाद्यान्न और पशुपालन के संबंध प्रोटीन उत्पादों का समयानुरूप बेहतर पैकेजिंग के साथ वैश्विक स्तर पर विपणन हो। मैंने पिछले कुछ समय के दौरान खेतों पर काम करने वाले पारंपरिक किसानों और पशुपालकों के बारे में ऐसे बहुत से समाचार पढ़े हैं जिनमें उन्होंने अपने स्तर पर ईजाद तकनीक से खेत में कृषि उत्पादों में वृद्धि करने के साथ ही पशुधन संरक्षण के जो उपाय किए हैं उनसे उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ है। मैं चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय कृषि एवं पशु विज्ञान केंद्रों को के तहत इस तरह के कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन हो। ऐसे कृषकों और पशुपालकों को प्रोत्साहित कर सम्मानित करने की किसी योजना पर भी कार्य किए जाने की जरूरत है।
मैं यह मानता हूं कि परंपरागत ज्ञान का आधुनिक विज्ञान से यदि मेल होता है तो इसके बेहतर परिणाम अधिकाधिक लोगों को मिल सकते हैं। परंपरा के बीच से ही वर्तमान ज्ञान विज्ञान समृद्ध और संपन्न होता है। भगवान बुद्ध से जुड़ी एक कथा मुझे इस अवसर पर विशेष रूप से याद आ रही है। बुद्ध भिक्षाटन के लिए नगर नगर गांव गांव जाते थे। एक बार वो गांव में एक किसान के यहां भी भिक्षा लेने पहुंचे। बुद्ध को भिक्षा लेने आया किसान देखकर उपेक्षा से बोला कि मैं हल जोतता हूं, खेती करता हूं, तब खाता हूं। आपको भी खेती करनी चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्नदाता, मैं भी तो आपकी तरह खेती करके ही खाता हूं। किसान ने आश्चर्य जताते हुए प्रश्न किया, आपके पास न तो हल है, न खेत, न बैल, तब कैसे कहते हैं कि खेती करते हैं और खाते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं ज्ञान की खेती करता हूं। श्रद्धा, भक्ति और आस्था से इस खेती के बीज है। जो मुझे सुनने आते हैं उन्हें अपने अनुभवों, पढ़े हुए ज्ञान से नया कुछ करने की शिक्षा देता हूं। इससे उनके दुखों का निवारण होता है। यही मेरी ज्ञान की खेती की फसल है। अब बताओ, मैं भी तुम्हारी तरह खेती करता हूं कि नहीं? किसान ने यह सुनकर नतमस्तक हो बुद्ध को भिक्षा दी। इस कहानी के मर्म में जाएंगे तो और भी बहुत कुछ पाएंगे। मैं यह मानता हूं कि हमारे जो कृषि और पशुपालन विश्वविद्यालय हैं और वहां जो वैज्ञानिक विषय विशेषज्ञ विद्वान पढ़ाते हैं, वे इस क्षेत्र की ज्ञान की खेती को आगे बढ़ाएं, प्रयास करें कि किसानों और पशुपालकों का जीवन बेहतर से बेहतर बने। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस था। समाचार माध्यमों से ही जाना कि हमारा देश दुग्ध उत्पाद में आत्मनिर्भर है। निर्यात के लिए भी पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त दूध हमारे देश में उपलब्ध होता है। डेयरी के बारे में अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बताया। राजस्थान उसके लिए उपयुक्त प्रदेश है और उसमें अधिकाधिक इसकी आवश्यकता है। इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी। निर्यात के लिए भी पर्याप्त मात्रा से अतिरिक्त दूध हमारे देश में उपलब्ध होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण और पशुपालन अवसंरचना विकास कोष और राज्य सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से निरंतर विकास हो भी रहा है, परंतु गुणवत्ता वाले और स्थान विशेष की विशेषताओं आधारित उत्पादों में वृद्धि और विपणन के लिए भी अधिक प्रभावी तरीके से कार्य करने की अभी बहुत जरूरत है। इस विश्वविद्यालय स्तर पर विशेष कार्य योजना के तहत आप लोग व्यावहारिक प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि राजस्थान में औसतन 45 लाख हेक्टेयर रकबे में बाजरे की बुआई होती है। अब पूरे प्रदेश के कुल बाजरा के क्षेत्रफल में 50% बाजरा मारवाड़ क्षेत्र में होता है, पर बाजरे के उन्नत किस्म के बीज के लिए हम अभी भी दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। मुझे बताया गया है कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय उन्नत किस्म का बाजरे का हाइब्रिड बीज पैदा कर रहा है। यह सुखद है, ऐसे प्रयास और अधिक हों। प्रदेश का यह मरु क्षेत्र अपनी भौगोलिक और जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ होने वाली फसलों में जीरा, इसबगोल, मूंग, ग्वार, मोठ, तिल, सौंफ, मेहंदी, पान, मेथी, अरंडी इत्यादि महत्वपूर्ण फसलें हैं तथा कैर, सांगरी, कुमट, लसोड़ा, पीलू, सेवन घास और काचरी भी इस क्षेत्र की जैव विविधता की धरोहर को विश्व पटल पर स्थापित कर रही है। इस विविधता का उपयोग करते हुए भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान कार्य किए जाने चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही फसलों की प्राकृतिक आपदाएं और सूखा सहन करने वाली किस्में विकसित करने पर भी विश्वविद्यालय को ध्यान देने की जरूरत है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं तकनीकी हस्तांतरण से जुड़े कार्यों का दायरा भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय प्रयास करे कि वैश्विक स्तर पर फसल उत्पादन, बीज गुणवत्ता और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के जो प्रयास हो रहे हैं उनका लाभ स्थानीय किसानों, पशुपालकों को अधिकाधिक मिले। विश्वविद्यालय द्वारा किसानों की सहभागिता के तहत जीरे और मूंग बीज उत्पादन के कार्य पश्चिमी राजस्थान के लिए 10 से अधिक उत्पादन तकनीकों के लिए की गई सिफारिश और गोद लिए गांव लूणी में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में तारबंदी कर 650 पौधों का रोपण कर आक्सी पार्क विकसित करने के आपके प्रयासों की मैं प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मरुक्षेत्र की भौगोलिक और जैविक विविधता को देखते हुए नए स्टार्टअप्स विकसित करने, कृषि और पशु उत्पादों को के समुचित व्यवसायीकरण के साथ ही किसानों और पशुपालकों के परंपरागत ज्ञान के संरक्षण के लिए कृषि और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मिलकर ऐसे कार्य करेंगे जिनसे राजस्थान कृषि पशुपालन क्षेत्र में देश भर में अग्रणी हो सके। आज हुए शिलान्यास और लोकार्पित भवनों के इस कार्यक्रम के लिए क्षेत्रवासियों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके ऊर्जावान एवं आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय। मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर विष्णु शर्मा साहब से माननीय कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापन कर। प्रोफेसर विष्णु शर्मा साहब। सभी उपस्थित सम्मानित गणों को अभिवादन। मैं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर दोनों विश्वविद्यालय परिवारों की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री कलराज मिश्र जी माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान का सादर आभार व्यक्त करता हूं कि विश्वविद्यालय के संरक्षक के रूप में शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचारों के प्रति आपकी उत्सुकता एवं महामारी जैसे विकट समय में भी कुलपतियों से निजी संवाद स्थापित कर उनकी कुशल क्षेम जानना, ऐसे प्रेरक विचारों ने सभी के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी है। आपकी विद्वता, सरलता और सहृदयता की यह अमिट छाप हमारे हृदय में हमेशा अंकित रहेगी। माननीय द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक गांव गोद लेकर जन सहभागिता और विकास के कार्यक्रमों से जोड़ने का एक प्रयास, साथ ही विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का निर्माण जिससे आने वाली पीढ़ी संविधानिक मूल्यों को जान सके, एक अनूठे नवाचार है जिसके पूरे देश के अंदर भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। माननीय ऐसे
धनी व विराट व्यक्तित्व का दोनों विश्वविद्यालय परिवारों की तरफ से कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद व नमन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय श्री अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का दोनों विश्वविद्यालय परिवारों की तरफ से सादर नमन। कृषि पशुपालन व डेयरी से आपका अंतरंग जुड़ाव सर्वविदित है एवं उसी का परिणाम है कि मात्र 2 वर्षों के अल्पकाल में राज्य को 4 डेयरी महाविद्यालय मिल गए। पिछले कई दशकों से 1 डेयरी महाविद्यालय राज्य में था, लेकिन 2 वर्षों के अंदर 4 डेयरी महाविद्यालय राज्य को मिल गए। राज्य का देश में दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है एवं दुग्ध की उपलब्धता आवश्यकता से लगभग दुगनी है। मैं ये मानता हूं कि जो डेयरी महाविद्यालय राज्य में खोले गए हैं, आने वाले समय में वो दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र के अंदर एक नया आयाम रचेंगे। माननीय कृषि पशुपालन के इस कार्यक्रम में मात्र आपकी उपस्थिति व आशीर्वचन न सिर्फ विश्वविद्यालय परिवार बल्कि राज्य के किसान व पशुपालकों को भी सकारात्मक उत्साह व ऊर्जा का अनुभव करेंगे और यह संदेश वर्षों तक दिल में संजोए रखेंगे। ऐसे जमीन से जुड़े सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्तित्व का सानिध्य पाकर विश्वविद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे निवेदन का आपने मान रखा, इसके लिए हम नतमस्तक। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्री लालचंद जी कटारिया, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग राजस्थान सरकार, जो कि स्वयं खेतों के वैज्ञानिक हैं एवं विज्ञान को किस तरह से खेत खलियानों में पहुंचाया जाए इस मर्म को हमेशा साथ रखते हैं। इसी भावना का परिणाम है कि भिन्न नामों के प्रशिक्षण संस्थानों को परिवर्तित कर पशु विज्ञान केंद्र के रूप में एक अभिनव नवाचार का उदाहरण रखा, जो कि संपूर्ण राष्ट्र में अनुकरणीय है। विश्वविद्यालय परिवार के लिए आपके भाव एवं भावना का हृदय से आभार एवं नमन। मेरा माननीय राज्य मंत्री श्री भजन लाल जी जाटव को हार्दिक आभार कि उन्होंने सदैव ही कृषि और पशुपालन क्षेत्र में हुई विभिन्न प्रगतियों नवाचारों को खुले मन से प्रोत्साहित किया है। आपने इस कार्यक्रम के लिए अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाला, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवारों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज माननीय विधायकगण श्रीमती सूर्यकांत व्यास जी, रीटा चौधरी जी, श्री गणेश गोगरा जी, श्री कन्हैया लाल जी, श्री अभिनेश महर्षि जी, श्री पुखराज जी, श्री मोहनलाल चौधरी जी, श्री महेंद्र बिश्नोई जी, श्रीमती मनीषा पवार जी, श्री गोविंद मेघवाल जी एवं अन्य विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबने इसमें सम्मानित उपस्थिति प्रदान करी, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है। मैं सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में समय और क्षमता के साथ साथ इन पशु विज्ञान केंद्रों की व्यापकता और विराटता बढ़ेगी और ये जनहित के लिए बहुत तेजी से काम करने लगेंगे। मैं बीकानेर के हमारे अपने कैबिनेट मंत्री माननीय श्री बीडी कल्ला साहब और श्री भंवर सिंह भाटी जी का भी हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं कि हमारे निवेदन पर वो इस कार्यक्रम के सहभागिता से जुड़े और माननीय भाटी साहब इस कार्यक्रम के साथ पूरे समय जुड़े रहे हैं। आप लोगों का हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है और इस उत्साह के कारण ही आज विश्वविद्यालय इन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। राजस्थान सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में सहभागी रहे हैं, दोनों विश्वविद्यालय परिवारों की तरफ से, विशेषतः मुख्य सचिव निरंजन आर्य जी, आदरणीय श्री कुलदीप राका जी, कृषि विभाग के प्रशासनिक मुखिया श्री भास्कर सामंत जी, पशुपालन विभाग की सचिव डॉक्टर आरुषि अजय मलिक जी एवं अन्य प्रशासनिक विभागों के अधिकारी, तकनीकी विभागों के अधिकारी, सबका विश्वविद्यालय परिवारों की तरफ से हार्दिक आभार। मैं इस अवसर पर जोधपुर, डूंगरपुर, चूरू, टोंक, झुंझुनू, नागौर के जिला कलेक्टर महोदयों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वे इस कार्यक्रम में सहभागी रहे और इस कार्यक्रम से जो नवाचार उन्होंने देखे हैं उनको उनकी योजनाओं के द्वारा आगे पशुपालकों और किसानों तक पहुंचेंगे। मेरा आभार राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री आवास, BOIT आदि पर कार्यरत उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी है जिनके कई दिनों के अथक समन्वय के कारण यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं
पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रबंध मंडल संचालक के सदस्यगण, स्थानीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि, राज्य सरकार के अधिकारी, पूर्व कुलपतिगण, वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और पशुपालक संकाय सदस्य एवं विद्यार्थी गणों का, जिन सबके एक सामूहिक सहभागिता से इस कार्यक्रम को एक आकार मिल सका। मेरा परम साधुवाद व हार्दिक आभार पत्रकार मीडिया से जुड़े भाई बहनों का, जिन्होंने हमेशा कृषि और पशुपालन क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को बहुत ही उत्साह से जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज के कार्यक्रम ने राज्य की कृषि व पशुपालन के महत्व पर अमिट छाप लगा दी है। इस संदेश को आपकी कलम से दूर सुदूर, गांव गांव, ढाणी ढाणी, खेत बाड़, किसान और पशुपालक तक पूरी सक्षमता से पहुंचाएंगे, ऐसा विश्वविद्यालय परिवार का विश्वास है। इसी विश्वास के साथ पूर्ण विनम्रता से आपका आभार। अंत में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए इस मौके पर उनकी विख्यात कोट और कहावत है उसको उद्धृत करना चाहूंगा कि किसी भी देश का मूल्यांकन मात्र इस बात से किया जा सकता है कि वह पशुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। यह स्पष्ट है कि मानव कल्याण को पशु कल्याण से जोड़ने की एक सफल कोशिश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करी है। आइए आज के इस मौके पर आप और हम सब मिलकर और आने वाली पीढ़ियों को मूक पशुओं के प्रति संवेदना होने का, सचेत होने का संकल्प लेवे और इस शिक्षा का प्रसार के लिए हम संकल्पित रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर विष्णु शर्मा साहब, माननीय कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आपका धन्यवाद। अब मैं सभी सम्मानीय अतिथि एवं उपस्थित सज्जनों से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रगान के गीत अपने स्थान पर करें। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी का धन्यवाद। चलिए।